हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हम एक अलग तरीके की वीडियो लेकर आए हैं। वैसे तो हमारा गार्डनिंग का चैनल है, लेकिन हम इस वीडियो में दोस्तों सैलाब जब आता है तो क्या स्थिति होती है नदी की, वो स्थिति इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। और ये पीलीभीत जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, शारदा डैम से दोस्तों इसमें पानी छोड़ा जाता है, जो नानक माता की डैम है उससे पानी छोड़ा जाता है। और इस पानी का बहाव देखिए दोस्तों कितनी तेज़ी में है, और यहाँ पर दोस्तों पीलीभीत डूबते डूबते बचा है। अगर आज बारिश नहीं रुकती तो पीलीभीत में दोस्तों काफ़ी तबाही मच सकती थी, क्योंकि पीलीभीत शहर में जलभराव शुरू हो गया था। उसकी काफ़ी वीडियो दोस्तों नेट पर आ चुकी हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में दोस्तों अलग तरीके की अपडेट अपने चैनल के माध्यम से छोटी सी लेकर आए हैं। ये देवा नदी है, पीलीभीत में पड़ती है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर पानी का बहाव देखिए, ये मीटर गेज के टाइम के दोस्तों ये दो पुल हैं, और लेफ़्ट साइड में मीटर गेज का रहा और राइट साइड में दोस्तों ये ब्रॉड गेज का है। और यहाँ पर दोस्तों ये हम लाल रंग का निशान आपको दिखा रहे हैं खंभे पर, जूम कर इस लाल रंग के निशान के ऊपर अगर पानी आ जाता है तो पीलीभीत में काफ़ी भयंकर स्थिति हो जाती है सैलाब की, और पीलीभीत में दोस्तों काफ़ी तबाही मच सकती है। इसलिए दोस्तों आज अगर बारिश नहीं रुकती तो काफ़ी तबाही मच सकती थी, क्योंकि पहाड़ों पर और यानी ओपी यूपी और उत्तराखंड में काफ़ी बारिश हो रही है, जिसके चलते ही दोस्तों जो नानक माता बैराज के दोस्तों चारों गेट खोल दिए गए हैं और बनबसा बैराज के भी गेट खोल दिए गए थे दोस्तों। और यहां से देखिए पानी का बहाव हमने इस वीडियो में दिखाया है। थोड़ा सा हम दोस्तों अपनी वॉइस को रोक कर आपको पानी के बहाव की आवाज़ सुनाते हैं, कितनी तेज़ी में यहाँ पर पानी का बहाव निकल रहा है फिलहाल। ये देखिए, अगर इसमें हाथी भी अगर चला जाएगा तो वो बह जाएगा, इतना तेज पानी है ये। नदी ने एकदम विशाल रूप ले लिया है। और छोटी सी अपडेट अपने चैनल के माध्यम से हम लेकर आए हैं। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर अगली वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।